बुरहानपुर जिले में जय आदिवासी युवा शक्ति पार्टी ने जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में चर्चा की गई है। बैठक को संबोधित करते हुए जयस जिला कार्यकारी अध्यक्ष लाल सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस हमेशा चुनाव से पहले ही आदिवासियों के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन चुनाव में जीत मिलने के बाद आदिवासियों को हमेशा की तरह ही भुला दिया जाता है, उनका लगातार शोषण किया जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि इन पार्टियों ने समाज के शिक्षित युवाओं को मौका नहीं दिया तो इस बार जयस अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। सभी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि सभी सामाजिक संगठन जिसमें से भीम आर्मी से आए हैं, AIIMK से भी आए हुए हैं, और जय संगठन से है, आम आदमी पार्टी से है, और आदिवासी जो और जैसे है, सारे संगठन आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें हम योग्य उम्मीदवार को चयन करके उस उम्मीदवार को हम राजनीतिक पार्टियों को अवेलेबल करवाए, एक विकल्प के तौर पर हम उनको दें योग्य उम्मीदवार। जयस क्या अपना स्वतंत्र कैंडिडेट उतारेगा या किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा? जयस जो एक राजनीतिक संगठन नहीं है, एक वैचारिक संगठन है। जयस अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहता, लेकिन जयस एक ऐसे उम्मीदवार को उतारना चाहता है जो